उत्तर प्रदेश में अब नगर निकाय और MLC चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है। इसके लिए सभी पार्टियां दमखम से अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं। प्रदेश सरकार भी नगर निकायों की सीमा के विस्तार करने में लगी हुई है। वहीं मुरादाबाद SDM सदर प्रशांत तिवारी की आगामी दिसंबर माह तक नगर निकाय चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना 15 नवंबर के बाद जारी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट तय करती है कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। इसके साथ ही मुरादाबाद जनपद में बरेली मुरादाबाद स्नातक चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने का कार्य तेजी से चल रहा है। SDM सदर ने तीनों कार्यों में वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की अपील भी की। देखिए, इसमें वर्तमान में 3 निर्वाचनों के कार्य चल रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण एक एक सीरियल से चलते हैं। सबसे पहले बरेली मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का है, जिसमें वोटर लिस्ट बन रही है। इसके मतदाता वो होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो और ग्रेजुएशन आज से 3 साल पहला हो, मतलब 2022 से 3 साल पहले का हो। तो ऐसे मतदाताओं से अपील है जो स्नातक पूर्ण कर चुके हैं, अपनी डिग्री सहित और अपना एड्रेस सहित तहसील में या अन्य जगहों पर, जैसे ब्लॉक है, इन जगहों पर अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। ये वोटर लिस्ट हर बार नहीं बनती है, इसलिए मतदाताओं से अपील है कि इसमें भारी संख्या में भाग लें। ये राज्य माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में इलेक्शन होगा, ये जनवरी फरवरी में प्रस्तावित है। वोटर लिस्ट उसकी बन रही है, 7 नवंबर आखिरी तारीख है। तो मतदाताओं से इसमें अपील है और राजनीतिक दलों से भी अपील है कि इसमें संख्या में सहयोग करें। दूसरा जो निर्वाचन चल रहा है आपका, वो नगर निगम और नगर निकाय निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण चल रहा है। इस समय मतदाता सूची का रिवीजन हो रहा है, BLO घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। इसमें काफ़ी काम अच्छा हो रहा है, करीब 65 से 70% सर्वे हो चुका है। कुछ जगहों में भी सर्वे थोड़ा बाकी है और यहाँ से भी लोगों से अपील है, यहाँ के मतदाताओं से, चूँकि इसमें वोटर लिस्ट 5 साल में एक बार बनती है। लास्ट इलेक्शन में वोटर लिस्ट 2017 में बनी थी, इसलिए लोगों से अपील है कि जो जिनके नाम जुड़ने हैं इस बीच, जो 18 साल के पूरे हुए हैं, कुछ लोग शादी होकर के आए होंगे, कुछ लोग मृतक हुए होंगे, इसमें तीनों तरीके की गतिविधियाँ हैं, नाम जोड़ने की भी, नाम विलोपन या डिलीशन की, और अगर किसी के नाम में कोई त्रुटि है तो करेक्शन की भी, उसको भी करा लें। इसका भी समय बहुत नज़दीक है ताकि इसकी निर्वाचक नामावली का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाए, फिर दावा और आपत्ति के लिए पब्लिक को टाइम दिया जाएगा। तो उसके बाद जो क्लेम और ऑब्जेक्शन आएंगे उसको देखते हुए उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें अभी पांडुलिपियों का सर्वे किया जा रहा है, मैं तो BLO घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं और परिवर्तन और विलोपन और संशोधन की सूची हमें तहसील कार्यालय में जमा कर रहे हैं, उसके आधार पर हम इसको फीडिंग करा रहे हैं। फीडिंग पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन 26-27 में करेंगे, फिर उसके बाद 1 सप्ताह का और मौका मिलेगा दावे आपत्ति का। तो मेरा पब्लिक से अपील ये है कि दावे आपत्ति का वेट ना करें, अभी ही समय है, अभी ही दे दें, ताकि उनका नाम, इससे पहले कि दावे आपत्ति की बात है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उनका नाम जुड़ जाए और जिसका डिलीट होना है उसका नाम डिलीट हो जाए। सर, पिछले वर्षों की बात करें तो कितने आवेदन नए आए थे और इस बार क्या स्थिति है? जो बरेली मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन की बात है, उसमें अभी करीब 10,000 के आसपास फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। विगत निर्वाचन, चूँकि ये भी करीब उस तरीके का इलेक्शन है जो 5-6 बार में, एक साल में एक बार होता है, तो उसमें 22,000 फॉर्म पिछली बार आए थे, उससे ज़्यादा आने की संभावना है। बीच में कुछ छुट्टियाँ हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधियों से भी और आम जनता से भी, जिन्होंने स्नातक पूरा किया है बरेली स्नातक मुरादाबाद खंड के लिए, कि वो अधिक संख्या में आवेदन करें अपनी डिग्री और एड्रेस प्रूफ के साथ। नगर निकाय क्षेत्र में तो अपने आप एडिशन परिवर्तन आ ही रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी सक्रिय हैं और हमारे BLO भी काफ़ी संख्या में काम कर रहे हैं। और जो बरेली स्नातक मुरादाबाद, उसमें पदाभिहित अधिकारी के रूप में सभी जिला स्तरीय अधिकारी लगे हुए हैं, जिसमें SDM तहसीलदार अपर नगर मजिस्ट्रेट महोदयगण और बहुत सारे BSA और DSB इसमें और अन्य जनपदीय अधिकारी भी लगे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में भी थोड़ी जागरूकता की अपेक्षा है ताकि फॉर्म अधिक से अधिक संख्या में आए और निर्वाचन में जो भूमिका है वो आगे बढ़ती रहे। एक और निर्वाचन है, विधानसभा निर्वाचन का पुनरीक्षण का वोटर लिस्ट का काम नवंबर महीने से शुरू होगा। इसमें एक और काम, जैसा कि आप जानते हैं कि मतदाताओं को आधार से लिंक करने का कार्यक्रम चल रहा है, वो इस समय थोड़ा सा धीमा हुआ है। तो इसमें भी आम जनमानस से अपील है, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में है और वो अपना आधार नंबर दे दें, आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, सिर्फ आधार नंबर देंगे तो उसका हम वोटर लिस्ट में लिंक कर लेंगे। उसमें भी उसके शुरू के 8 डिजिट मास्क रखे जाएंगे, कि आधार नंबर 12 डिजिट का है, शुरू के 8 डिजिट आपको कोई देखेगा नहीं, मतलब आपकी गोपनीयता बिल्कुल बरकरार रखी जाएगी ताकि वोटर लिस्ट और शुद्ध और पारदर्शी हो सके। बहरहाल, इलेक्शन कमीशन सरकार को अधिसूचना के लिए प्रस्ताव भेजती है और सरकार अधिसूचना जारी करती है। अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, क्योंकि अभी सरकार नई नगर पंचायतों के गठन के साथ ही नगर निकायों की सीमा के विस्तार के कार्यों को करने में लगी हुई है। जब सरकार अपना ये कार्य पूर्ण कर लेगी तो उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग उस आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करेगा।